9 साल बाद जेल से रिहा होंगे कर्नल पुरोहित, इस फैसले पर उनकी पत्नी क्या कह रही हैं सुनते हैं। कोई नहीं लगाएगा, देखिए थोड़ी देर पहले ये फैसला आया है, बड़ा फैसला है कर्नल पुरोहित और उनके परिवार के लिए और काफी भीड़ वहां पर। हालांकि अपर्णा पुरोहित, कर्नल पुरोहित की जो पत्नी है, फैसला आने से पहले हमने उनसे बात की थी एबीपी न्यूज से, बातचीत में उन्होंने कहा था कि वो पूरी तरह से आशान्वित हैं कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, दो तस्वीरें आपके सामने, कर्नल पुरोहित को जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। 2008 का मालेगांव बम धमाके का मामला, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है कर्नल पुरोहित को। 9 साल से जेल में बंद कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित अब जेल से बाहर आएंगे। 2008 में नासिक के पास मालेगांव में धमाका हुआ था, पूरा मामला आप समझिए। 2008 में मालेगांव ब्लास्ट का इन्हें आरोपी बताया गया। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और धमाके के लिए जो बैठक हुई थी उसमें शामिल होने का बड़ा आरोप कर्नल पुरोहित पर लगा। अभिनव भारत संस्था की बैठक में वो शामिल हुए, ये आरोप उन पर लगा। हालांकि कर्नल पुरोहित ने इन सभी आरोपों से इनकार किया। अभिनव भारत पर ही दरअसल मालेगांव में ब्लास्ट कराने का आरोप है और इसी संस्था की बैठक में कर्नल पुरोहित के शामिल होने का आरोप उन पर लगा। कर्नल पुरोहित ने सभी आरोपों से इनकार किया। कर्नल पुरोहित ने यह दलील दी कि वो सेना के इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात थे और उसी हैसियत से वो उस बैठक में मौजूद थे और उनका कोई लेना देना इन बम धमाकों से नहीं है, ऐसा कर्नल पुरोहित ने दावा किया। तो उनकी दलील भी हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके जो जमानत मिली है कर्नल पुरोहित पर को, उस पर उन्होंने कहा है, कर्नल पुरोहित को जमानत मिली ये तय था क्योंकि बीजेपी सरकार बम धमाकों के उन सभी आरोपियों को बचा रही है जो आरएसएस से जुड़े हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, जिन्होंने कहा है कि कर्नल पुरोहित को जमानत मिलना तय था। हालांकि ये बता दें, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है लेकिन इससे राजनीतिक रंग देते हुए दिग्विजय सिंह और कह रहे हैं कि ये तय था क्योंकि बीजेपी सरकार बम धमाकों के उन सभी आरोपियों को बचा रही है जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इससे पहले आपको याद होगा 25 अप्रैल को साध्वी प्रज्ञा को भी जमानत मिल गई थी। लेकिन ये पूरा मामला मालेगांव बम धमाके से जुड़ा हुआ है क्या, आइए आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित का जन्म पुणे के एक मध्यम वर्गीय मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पुरोहित ने पुणे के अभिनव विद्यालय स्कूल में पढ़ाई की और फिर पुणे के ही गरवारे कॉलेज में आगे की शिक्षा भी हासिल की। साल 1994 में चेन्नई के ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी से पास आउट होने के बाद पुरोहित को मराठा लाइट इन्फेंट्री में कमीशन किया गया था। 1994 में ओटीए से पास आउट होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को आर्मी में कमीशन किया गया। पुरोहित की पहली पोस्टिंग नागालैंड थी। नागालैंड में एक ऑपरेशन के दौरान पुरोहित के पैर में चोट लग गई। वहां पर 3 साल काम करने के बाद पुरोहित को राजस्थान भेजा गया और राजस्थान से फिर साल 1999 में कश्मीर। कश्मीर में नागालैंड में लगी चोट ने वापस दिक्कत दी तो वहां पर पुरोहित के पैर की सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने पुरोहित को एक्टिव फील्ड ऑपरेशन से दूर रहने को कहा, जिसके बाद पुरोहित ने मिलिट्री इंटेलिजेंस ज्वाइन कर लिया। पुरोहित के परिवार का दावा है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहते हुए पुरोहित ने आईएसआई और सिमी के बड़े नेटवर्क में इन्फिल्ट्रेट किया था, नेटवर्क की सारी जानकारी ली थी जिससे भारतीय सेना को काफी मदद मिली थी और कई सारे आतंकी ऑपरेशन को रोका गया था। लेकिन यहाँ ये सवाल अहम है कि अगले कुछ सालों में आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि एक देशभक्त आर्मी ऑफिसर आतंकवाद की राह पर चल पड़ा। महाराष्ट्र एटीएस का दावा है कि पुरोहित ही मालेगांव बम धमाकों का मुख्य आरोपी है, जिसने धमाकों में इस्तेमाल आरडीएक्स के साथ साथ धमाकों के लिए पैसा भी मुहैया करवाया था। कर्नल पुरोहित ने आर्मी से रिकॉर्ड पूछे थे और वो रिकॉर्ड उनको नहीं दिए गए, एंटनी ने दिए नहीं, आज परिकर ने वो रिकॉर्ड दिए हैं।
पर्रिकर ने कोई अपने पॉकेट से अपने टेबल से नहीं निकाल के दिए, उन्होंने खाली आदेश दिया कि आर्मी के हेडक्वार्टर से रिकॉर्ड दिया जाए। अब सुधाकर चतुर्वेदी का जो रिकॉर्ड है वो आया है कि सुधाकर चतुर्वेदी आर्मी के पेरोल पे था, आर्मी का इन्फॉर्मर था, उसके आइडेंटिटी कार्ड की कॉपियां वहां पर उपलब्ध है। इस सुधाकर चतुर्वेदी को जब ब्रिटिश ने उठाया, बेकानून उठाया, उसका किडनैप किया, उसको इंडिया पुल के प्राइस से जगह जगह ले गए, 20 दिन उसको कस्टडी में रखा, उस पीरियड में उसकी ब्रेन मैपिंग हुई। जब अरेस्ट नहीं किया तो ब्रेन मैपिंग कैसे हुई, उसका रिपोर्ट हमें मिला है। और उसी समय एटीएस के अधिकारी बागड़े वगैरह जो उसके रूम पर चले गए और वहां पे वो आदेश रख रहे थे, आदेश के कान डाल रहे थे, तब उनको आर्मी के ऑफिसरों ने देखा, उनसे सवाल पूछे और आर्मी के ऑफिसरों ने जो जवाब दिए अपने, वो जवाब आज कोर्ट के सामने है। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक 9 फरवरी 2007 में प्रसाद पुरोहित ने ही अभिनव भारत नाम के संगठन की शुरुआत की थी। पुरोहित ने अभिनव भारत के लिए 21 लाख रुपए भी इकट्ठा किए और फरीदाबाद, कोलकाता, भोपाल, इंदौर, नासिक जैसी जगहों पर अभिनव भारत की कई मीटिंग्स भी ली और संगठन को आगे बढ़ाया। फरीदाबाद में हुई ऐसी ही एक मीटिंग का जिक्र एटीएस ने अपनी चार्जशीट में भी किया है। इस मीटिंग में पुरोहित समेत मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर चतुर्वेदी मौजूद। एटीएस के मुताबिक मालेगांव धमाके की योजना बनाने के लिए भोपाल के राम मंदिर में 11 अप्रैल 2008 को एक मीटिंग ली गई थी, जिस मीटिंग में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह भी मौजूद थे। एटीएस का दावा है कि इसी मीटिंग में पुरोहित ने यह कहा था कि अब मुस्लिमों के खिलाफ बदला लेने का वक्त आ गया है। एटीएस का दावा यह भी है कि इस मीटिंग में पुरोहित ने आरडीएक्स लाने की जिम्मेदारी ली तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ने धमाका करने के लिए लोगों को लाने की जिम्मेदारी ली। एटीएस का दावा है कि इसके बाद 11 जून 2008 को इंदौर के सर्किट हाउस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ने रामजी कालसंग्रा और संदीप डांगे को दूसरे लोगों से मिलाया। इसके बाद रामजी कालसंग्रा और संदीप डांगे ने पुरोहित के कहने पर 9 सितंबर 2008 को पुणे जाकर राकेश धावड़े से आरडीएक्स लिए और फिर 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में बम धमाके किए। एटीएस ने पुरोहित के बदला लेने के बयान को अदालत में साबित करने के लिए 11 अप्रैल 2008 की भोपाल की मीटिंग में मौजूद कुछ सदस्यों के बयान सामने रखे। उनमें से मुख्य गवाह है यशपाल भंडाना, जिसने एटीएस को साल 2008 में बयान दिया था, 11 अप्रैल 2008 को भोपाल के राम मंदिर की पहली मंजिल पर स्वामी जी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित, मेजर उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी शामिल थे। इस मीटिंग में चाय पानी देने की जिम्मेदारी मेरी थी। जब मैं चाय लेकर अंदर गया तब मैंने कर्नल पुरोहित को ये कहते हुए सुना कि मुस्लिमों के खिलाफ जल्द से जल्द बदला लेने के लिए कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। मालेगांव में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, यहाँ अगर बम धमाके किए गए तो हिंदुओं का बदला पूरा हो सकता है। पुरोहित के इस बयान पर सभी ने सहमति जताई और साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि धमाका करने के लिए बंदों का इंतजाम मैं करूंगी, उसकी चिंता ना करें। पुरोहित के खिलाफ भंडारा का यह बयान बेहद अहम था, लेकिन अब भंडारा अपने बयान से मुकर गया है। 6 अप्रैल 2016 को दिल्ली मजिस्ट्रेट कोर्ट को दिए अपने बयान में उसने कहा है कि एटीएस ने उससे जबरन यह बयान दर्ज करवाया था। एनआईए ने मुझे मेरा पहला बयान पढ़वाया जो पूरी तरह से निराधार है। मैं कभी भोपाल नहीं गया और न ही 11 अप्रैल 2008 को मैंने राम मंदिर में कोई मीटिंग अटेंड की थी। ठीक इसी तरह अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर आरपी सिंह ने एटीएस को पुरोहित के बयान और मालेगांव धमाकों की योजना के बारे में बताया था, लेकिन अब डॉक्टर आरपी सिंह ने दिल्ली मजिस्ट्रेट कोर्ट में बयान दिया है कि फरीदाबाद और भोपाल की मीटिंग में मेरे सामने किसी ने भी बम फोड़ने, किसी को मारने या दंगा करने की कोई बात नहीं की थी। बम फोड़ने वाली बात मैंने इससे पहले कभी किसी स्टेटमेंट में नहीं की थी। यशपाल भंडाना और डॉक्टर आरपी सिंह के इस ताजा बयान ने एक बार फिर एटीएस की जांच पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद 9 साल बाद जेल से बाहर आएंगे कर्नल पुरोहित। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।